तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फिलहाल मेरा ब्लॉग अभी एडिट होने वाला है और ये ब्लॉग है मेरा राजस्थान के जो बागौर की हवेली में लोक नृत्य होता है उस पर मैंने बनाया है। और अगर मैं इसका एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो ये अब तक की सबसे बेस्ट चीज़ थी जो मैंने उदयपुर या फिर पूरे राजस्थान में मैंने एक्सपीरियंस करी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, कठपुतली होता है, कई तरह के डांस होते हैं, कई परिवार जो होते हैं अलग अलग वहाँ पे, जैसे परिवार हुआ करते थे तो वो लोग अपनी प्रथाओं के अनुसार जो डांस करते थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मात्र 100 रुपये का टिकट था रोज़, रात को 8 बजे होता है बागौर की हवेली में। लेकिन जाते जाते जब मैंने शो कंप्लीट किया था ना, मुझे लग रहा था ये 100 रुपये तो बहुत ही कम है भाई, इसके लिए कम से कम 500 1000 रुपये तो होने ही चाहिए। लिटरली यार, इट वॉज़ जस्ट ऑसम यार, मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ। एक तो जब सबसे बेस्ट चीज़ हुई थी, जब वो कलाकार थी उन्होंने ऊपर सर पे ऊपर मटके रखे थे, पहले 2 मटके डांस किया, इट वॉज़ ओके, फाइन, आई वॉज़ ओके। उसके बाद जो जब वो 4 मटके आए और फिर वो एक जो घर में परात होती है, परात के ऊपर मतलब परात की साइड पे दोनों पैर रख के ऐसे ऐसे बैलेंस करके चलना, वहाँ तो मेरे होश ही उड़ गए थे भाई। क्या ही अलग एक्सपीरियंस था, मुझे लगा बस ये होगा अल्टीमेट। और भाई उसके बाद आते हैं 7 घड़े, मतलब 4 तो थे उसके बाद और ऐड कर दिए, टोटल 7 घड़े हो गए। उसमें फिर वो डांस कर रही थी, फिर उसके बाद कांच के ऊपर, टूटी हुई कांच के ऊपर डांस किया उस कलाकार ने, भाई इट वॉज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा इसको। और कठपुतली डांस तो यार इतना बढ़िया था ना, उससे आपकी तो नज़र नहीं हटेगी, ये गारंटी मेरी है। तो मैंने छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स निकाले थे, मैंने वीडियोस तो बनाई थी, तो छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स डाल के मैंने इसमें डाला है जिससे आपको एक आइडिया लगे। और जो आप वीडियो पे देखोगे ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वीडियो पे इज़ जस्ट लाइक 20-40%, लेकिन जो आप वहाँ बैठ के देखोगे ना, उसका अलग ही एक्सपीरियंस है। तो कभी भी आप उदयपुर प्लान करो, जयपुर, राजस्थान, कुछ भी प्लान करो, ये ज़रूर विज़िट करना। आप ट्रेन भले शेड्यूल कर लो, वापस ट्रेन फ्लाइट कुछ भी जिससे भी आ रहे हो नेक्स्ट डे शेड्यूल कर लो, लेकिन इसको ज़रूर विज़िट करना। इसको आपने नहीं विज़िट किया तो आपने कुछ भी नहीं विज़िट किया है। इट वॉज़ जस्ट इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। तो बने रहिए, थोड़ी वीडियो लंबी है, इन्जॉय करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि ये कैसे लगा आपको। हालांकि मैंने इस पर मेहनत बहुत करी है बनाने में भी, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आगे, बाय बाय। साहब आ गए हैं जैन नाश्ता सेंटर, और कुछ ऐसा है पोहा, देखो खा के बताते हैं। गजब है, गजब। पोहा तो खा लिया, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, देखो 20 रुपये की थी उपमात, काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया खा के। तो दोस्त आ गए हम लोग फिर से गंगौर घाट पे, देखो कबूतर दिखाते हैं आपको। मसाज है, क्यों प्रेशर है। लो भाई छाछ आ गया है, तुम बेहतरीन। क्या नाम है आपका? अच्छा, छाछ भी देखो बहुत बढ़िया छाछ है, यहाँ पे सब लोग आके पीना। 5 रुपए का गिलास दे रहा है सिर्फ। बेहतरीन, कहाँ से हो? यहीं सही? हाँ, मैं यहाँ पे चांदपुर। अच्छा सही है, चलो आओ। छोटा भाई तुम्हारा? हाँ। क्या नाम है आपका? रियान। बहुत प्यारा नाम है। तो दोस्त बागौर की हवेली में दोबारा से आ गए हैं और अब यहाँ पे डांस होगा, लोक नृत्य देखने आए हैं हम लोग। Bye.
स्वागत के लिए स्वागत गीत और लोक गीत। आप सभी पधारे हुए दर्शकों का मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत चार राज्य आते हैं, राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। आप सभी जहाँ पर विराजमान है, इस स्थान को बागोर की हवेली के नाम से जाना जाता है। बागोर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें कि पूर्व 5 महाराजाओं का बचपन बीता है। हमारे धरोहर कार्यक्रम के सभी कलाकार प्रसिद्ध कलाकार हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान से चरी नृत्य। इस नृत्य को गुर्जर परिवार की महिलाओं के द्वारा शादी समारोह और विभिन्न उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर गड़ा रखकर उसमें आग जलाती है और नृत्य करती हुई अपनी खुशी प्रदर्शित करती है। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने उत्तरी राजस्थान से चरी नृत्य। सभी का स्वागत, बागोर की हवेली में आपका स्वागत, हमारे कलाकारों द्वारा आप सभी का वेलकम। राजस्थान से कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य को सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा सांपों की तरह बलखाते और इथलाते हुए नृत्य किया जाता है। इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शुमार किया है, जो कि हम सभी राजस्थान वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो आइए आनंद लेते हैं घुंघरू की झनकार और बीन की धुन के साथ ही इस कालबेलिया नृत्य का। Thank you.
अभी आपने देखा बड़े ही आनंद उमंग और ऊर्जा से लबरे कल बेलियंदित के सोनारी धरती जगे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो छेल छबीलो महारो प्यारो राजस्थान। अब राजस्थान की एक और अनूठी और रंग रंगीली प्रस्तुति से आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान का शाही नृत्य घूमर। घूमर ओ जैसा कि आप जानते हैं कि इसे शाही नृत्य क्यों कहा जाता है। पुराने समय में केवल शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा तीज त्योहारों और शादी समारोह में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब यह नृत्य प्रसिद्ध और आम हो चुका है। अब इसे हर वर्ग समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा है। इस नृत्य में नृत्यांगनाएं कहती है कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व है और हमें हमारे देश पर गर्व है। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने महारी घूमर छेनक लाली सा इसी गीत के साथ में घूमर नृत्य। आप जानते हैं कि कठपुतलियां विभिन्न प्रकार की होती है। जल कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छाया कठपुतली। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की सुप्रसिद्ध धागा कठपुतली का नृत्य। सामान्यतया कठपुतली कलाकार पर्दे के पीछे रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ कलाकार आपके सामने रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा और किस तरीके से एक मृत कठपुतली में अपनी कला से जान फूंक देता है। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने कठपुतली नृत्य की पहली पेशकश नृत्यांगना अनारकली। चला चला रे रे रवि कड़ी वाला हाल
बंगाल की जादूगर डिंजांगपास। यह कोई आम जादूगर नहीं है, यह जादूगर अपने ही शरीर को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से आप सभी का मनोरंजन करता है, तो आइए देखते हैं जादूगर डिंजांग का जादू। निकालना है, निकालिए।
निकालना है और पेट के अंदर से धागा निकालना है। निकालिए। Oh,
अब आपको ले चलते हैं हमारे धरोहर कार्यक्रम के अंतिम आकर्षण की ओर और दिखाते हैं पश्चिमी राजस्थान से बाबाई नृत्य। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर की पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। ऐसे में महिलाएं अपने सिर पर एक नहीं दो नहीं अनेक घड़े रखकर दूर कुएं पर समूह में पानी लेने जाया करती थी और लौटते वक्त नाचते हुए गाते हुए और संतुलन बनाते हुए आया करती थी। बस इस कार्य ने एक कला का रूप ले लिया है। तो प्रस्तुत है आपके सामने संतुलन संगीत और ताल का संगम बाबाई नृत्य। यहाँ सर तो आपके सामने प्रस्तुत है बाबाई नृत्य। सर पर दो मटके कलम रखना पहले थोड़ा तो आपके सामने प्रस्तुत है बाबाई नृत्य सामने रखो कलम रखना पहले थोड़ा तो वो बताएंगे
बदल जाए तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 सात गड़े हो गया है ओवर धरोहर प्रोग्राम भाई साहब जबरदस्त था मजा आ गया देख के 100 रुपये का टिकट है भाई इसका तो 500 होना चाहिए सही बताए तो बहुत सही लगा यार मजा आ गया सारे डांस कैसा था सारे डांस बढ़िया था एकदम टॉप क्लास ये अब तक का सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे यहाँ पे 2000 में 13-14 में आया था अच्छा अच्छा नहीं आज भी जबरदस्त है बहुत बेहतरीन लगा ये तो गाइस मिलते हैं आगे हाँ तो दोस्त बागौर की हवेली भाई क्या डांस था यार धरोहर प्रोग्राम भाई ये तो मस्ट वॉच है अच्छा वो मैंने अटेंड कर लिया मैं एकदम सोच रहा था अटेंड करूँ कि ना करूँ एंड मोमेंट पे कर लिया बहुत ही बेहतरीन था यार बहुत ही बेहतरीन मतलब ये एक्सपीरियंस ना एक नेक्स्ट लेवल था बहुत सही लगा ये ज़रूर आप लोग अटेंड करो और भले कुछ ना करो सिटी पैलेस छोड़ दो इसके आगे मैं तो ये बोलूँगा लेकिन ये ज़रूर करना ये देखो